वेलकम बैक टू ब्लूमा। आज की हमारी वीडियो है परफेक्ट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। सो स्किन केयर रूटीन, एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन क्या है या स्किन केयर रूटीन क्या है? जब भी ये एक बहुत कॉमन एक पूछा जाने वाला सवाल है, जब भी आप किसी भी किसी ड्रग स्टोर पर जाते हैं या कहीं भी आप कोई ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप देखते हैं कि ओवर द काउंटर आपको थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं। आपको नहीं पता आपकी स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। आप कई दफ़ा ऐसी प्रोडक्ट में यूज करते हैं जो आपकी स्किन टाइप के हवाले से नहीं होती या आपकी सर्टन जो आपकी स्किन कंडीशन है उस हवाले से नहीं होती। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी परफेक्ट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली वो आप ज़रूर करेंगे, आपकी क्लिनजिंग है। पहली चीज़ जो आपने करनी है वो होगा, आपके पास एक बहुत अच्छा सा क्लिनजर होना चाहिए जिससे आप अपने फेस की क्लिनजिंग करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिए जो क्लिनजर चूज़ करेंगे वो फोमिंग क्लिनजर होगा, यानी वो एक झाग झाग टाइप का वो क्लिनजर होगा जो आप यूज़ करेंगे। वो आपके स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कंट्रोल भी करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप अपने लिए कोई भी वाटर बेस्ड क्लिनजर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अच्छा क्लिनजर आप लेंगे जो कि आप माइल्ड क्लिनजर हो, आप उसको आपकी क्लिनजिंग के लिए यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप आपके लिए जो होगा वो होगा टोनिंग करना, यानी आपका टोनर है आपकी सेकेंड प्रोडक्ट जो आप यूज करेंगे मॉर्निंग स्किन केयर के लिए। इसके लिए अब मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो टोनर यूज़ करना है, आपने स्ट्रिंजेंट्स को जो है वो अवॉइड करना होगा। अल्कोहल बेस्ड ऐसे कोई से भी टोनर्स हैं आप वो यूज़ नहीं करेंगे। आपको अल्कोहल बेस्ड जब आप टोनर यूज़ करते हैं आपको फेस पे बहुत एक कूलिंग इफेक्ट आता है, आपको लगता है फेस बहुत क्लियर है, बहुत नीट है, बहुत क्लीन है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप जो टोनर यूज़ कर रही हैं वो अल्कोहल बेस्ड है तो वो आपके स्किन के ऑयल को कंट्रोल करेगा। आपका एक्सेसिव ऑयल या जो आपकी ऑयल आपकी जो स्किन के ऊपर होगा वो सारा का सारा ऑयल वो रिमूव करेगा। स्किन का जो ऑयल प्रोडक्शन का जो एक साइकिल होता है या जो भी एक स्किन प्रोडक्शन का बिहेवियर है आपकी स्किन का, वो उससे डिस्टर्ब होगा। स्किन को ये लगेगा कि आपके ऑयल नहीं है, वो दोबारा ऑयल प्रोड्यूस करेगी, आप दोबारा से टोनर यूज़ करेंगे, टोनर की वजह से आपका एक्सेसिव ऑयल निकलेगा, तो ये एक साइकिल बनेगा जो आपकी स्किन को डिस्टर्ब करेगा। टोनर आप यूज़ क्यों करते हैं? टोनिंग बेसिकली आपका कोई भी जो आपकी स्किन टोनिंग होती है या स्किन टोनर है, ये आपका पीएच लेवल जो स्किन का है वो आपका बैलेंस करता है। जब आप क्लिंस करते हैं अपने फेस को तो आपका स्किन का जो लेवल है वो मोर और लेस आपका बेसिक्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है। और आप हमारी जो स्किन का असल में जो पीएच होता है वो 4 से लेकर 5.5 तक होता है, यानी एसिडिक होता है। तो आप जो है टोनर आपके लिए बेस्ट है जो कि आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। सभी टोनर आपके पीएच लेवल को बैलेंस करेंगे, लेकिन खरीदने से पहले आप ये देखिएगा कि अल्कोहल बेस्ड टोनर ना हो। अच्छा, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इस प्रोडक्ट को, आप इस पॉइंट को यानी इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इन बजट रह के आपको स्किन केयर अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लेनी है। स्टेप नंबर 3, अगर मैं ये कहूँ कि स्टेप नंबर 3 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो गलत नहीं होगा। तीसरे नंबर का जो हमारा आपने जो अप्लाई करनी है प्रोडक्ट, वो आपके पास होने चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, जो कि मोस्ट कॉमन हमारे पास जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो विटामिन सी और विटामिन ई है। आपको अगर मुझसे अगर आप पूछें तो मैं आपको कहूँगी कि आपके पास विटामिन सी और ई का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि आप मॉर्निंग में यूज़ करें। जब आपके पास सी और ई का कॉम्बिनेशन होगा तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी। विटामिन सी आपका मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके पास अवेलेबल है ओवर द काउंटर
आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स है क्या एंटीऑक्सीडेंट? आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बेसिकली आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है आपके फ्री रेडिकल्स से। ये आपके फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपके डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। सो आप अगर आपके पास एंटीऑक्सीडेंट है, आपने वो अप्लाई किया है अपनी स्किन पे, तो वो आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा। आपने क्या करना है कि जब भी आपने विटामिन सी या विटामिन ई लेना है या दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, तो आपके पास जो बॉटल होनी चाहिए वो डार्क कलर में होनी चाहिए, यानी एम्बर शेड की आपके पास बॉटल होनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो लाइट अंदर ना जा सके। अगर तो एम्बर शेड की वो बॉटल नहीं है और लाइट जो है वो बॉटल के अंदर जा रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट पहले से ऑक्सीडाइज हो चुकी है और वो आपकी स्किन पर काम नहीं करेगी। स्टडीज ने भी ये शो किया है कि आपको आपके अगर विटामिन सी और ई का कॉम्बो होता है तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा तो आप विटामिन सी अलग से यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ई अलग से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि विटामिन सी मॉर्निंग में यूज़ कर लें और ई जो है वो आप इवनिंग में यूज़ कर लें, या दोनों को इकट्ठा मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी की कंसंट्रेशन जो है वो 20% एंड अबव अगर है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए होगी। थोड़ा आप टेस्ट भी कर सकते हैं उसको अपने स्किन पैच पे, लेकिन आपके लिए वो हार्श ना हो, लेकिन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको स्किप नहीं करना। आपकी स्किन की जो है विटामिन सी से, जैसे आपको पता है, इससे आपकी स्किन ब्राइट होती है, आपकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो वो लाइटन अप होंगे, आपकी जो है आपकी रिंकल्स भी जो है वो सेटल होते हैं इससे आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। स्टेप नंबर 4 है हमारा आई क्रीम। आई क्रीम आपने यूज़ करनी है, आई क्रीम बहुत सी मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये रिकमेंड करूँ आपके लिए तो आप प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि आप कोई ऐसी आई क्रीम लीजिएगा जिसके अंदर एक बहुत थोड़ी सी अमाउंट जो है वो रेटिनॉल की हो। ये आपको हेल्प करेगा आपके स्किन को टाइट करने के लिए और रिंकल फ्री आपकी जो है स्किन के लिए, और इसके अलावा जो आपकी स्किन होगी वो आईज़ की वो थोड़ी टाइटन अप होगी इससे। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी स्किप मत कीजिएगा। पांचवा हमारा स्टेप है वो है SPF। आपने सन प्रोटेक्शन जो है वो स्किप नहीं करनी। सन प्रोटेक्शन आप कोई सी भी जो है वो सनस्क्रीन लेंगे जिसमें जो SPF 30+ होगी, इससे कम आप 30 SPF 30+ होगी, इससे कम आपने नहीं लेनी सनस्क्रीन, आपने यूज़ करनी है। बेशक आप सन में एक्सपोज होते हैं या घर पर ही रहते हैं, एक दफ़ा आपने सनस्क्रीन सुबह मॉर्निंग जो आपकी रिजीम है उसमें आपने लाजमी इंक्लूड करनी है। इसके बाद आपने आखिर में अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है, मॉइस्चराइजिंग आपने स्किप नहीं करनी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर भी आपको एक स्मॉल अमाउंट मॉइस्चराइजर की लेनी होगी जो आप मॉइस्चराइज लाजमी करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हम लोग जो स्किप कर देते हैं, हम कहते हैं जी हमारी स्किन ऑयली है, ऑयल प्रोड्यूस करती है तो हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। सो एक लाइट मॉइस्चराइजर आपने यूज़ करना है। ये हैं आपके 5 से 6 पॉइंट्स जो कि आपकी स्किन केयर के स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। आप इनको फॉलो कीजिए, आप देखिएगा कि विद इन 2 weeks or 1 week आपको अपनी स्किन में एक मेजर चेंज नज़र आएगा। आप अपने फेस को मेकअप से या इन सारी चीज़ों से पेंटअप करना ख़त्म करेंगे, आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी होगी और आप जो है अपनी स्किन को इंजॉय करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे अपनी स्किन को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको यूज़ कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपकी स्किन में क्या चेंज आया है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही इन 5 steps में जो आप जो है उसमें शामिल नहीं करना चाहते, तो टोनर जो है वो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। SPF को आप बिल्कुल माइनस नहीं करेंगे अपनी रूटीन में से। एंटीऑक्सीडेंट लाजमी शामिल करेंगे आप, क्लिंजिंग आपने लाजमी करनी है, एंड पे मॉइस्चराइजर आपने करना है। सो बाकी सारी चीज़ें आपने इसी तरीके से इनके साथ चलनी है।
आई क्रीम अगर आपकी एज कम है, लाइक आप जो है 25, 26, 27 इस तरह हैं, आई क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऐसे व्यूअर्स जो 28 प्लस हैं, उन्होंने आई क्रीम अपनी इस रूटीन में लाजमी साथ शामिल करनी है, ताकि आपकी आई जो है, आपके रिंकल्स जो है उसमें वो ना आए। और जो मैंने आपको आई क्रीम बोला जिसमें रेटिनॉल की अमाउंट होगी, वो अगर आपके क्रो आईज हैं तो उसके लिए भी वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो रिंकल्स को ख़त्म करेगा। सो आज की वीडियो यहीं तक ही, नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ रहा होगा जो आपकी परफेक्ट नाइट केयर रूटीन है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और आप मॉर्निंग और इवनिंग की जो स्किन रिजीम्स हैं इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारी सारी वीडियोस आप तक टाइम तक आती, आपके पास टाइम तक पहुंचती रहे।